गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में भगवत गीता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भगवत गीता नामक जो टॉपिक है, ये इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो और शेयर नहीं किया हो, तो ये सारे काम आप कीजिएगा और इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं भगवत गीता के बारे में जानकारी। भगवत गीता या गीता का भारतीय विचारधारा के इतिहास में लोकप्रियता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी यह हिंदुओं का सबसे पवित्र एवं सम्मानीय ग्रंथ है। गीता मूलतः है महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसमें महाभारत युद्ध के अवसर पर कर्तव्य विमुख एवं भयभीत हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा किए गए उपदेशों का संग्रह है। इसकी शिक्षा में एक उदार समन्वय की भावना है, जो हिंदू विचारधारा की सर्व प्रमुख विशेषता रही है। इसमें प्रत्येक धर्म को मानने वाले के लिए रोचक एवं महत्वपूर्ण सामग्री मिल जाती है। डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्दों में, यह किसी संप्रदाय विशेष की पुस्तक नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव समाज की सांस्कृतिक निधि है, जो हिंदू धर्म को उसकी पूर्णता में उपस्थित करती है। गीता का उपनिषदों के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक अध्याय के अंत में इसे गीता नाम का उपनिषद कहा गया है। वैष्णवीय तंत्र सार के एक श्लोक के अंदर उपनिषद तथा गीता के संबंधों को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है, जिसके अनुसार सभी उपनिषद गायें हैं, कृष्ण उन्हें दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है, बुद्धिमान लोग पीने वाले हैं तथा अमृत रूपी गीता ही दूध है। इससे स्पष्ट है कि गीता ने अपने आदर्श उपनिषदों से ही ग्रहण किया, किंतु उन्हें महाभारत कालीन परिस्थितियों में नए एवं शक्तिशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इसका मुख्य लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं को सुलझाते हुए मनुष्य को कर्तव्य मार्ग पर परिवर्तित करना एवं सदाचार को प्रोत्साहन देना है। गीता की प्रमुख शिक्षाएं, सबसे पहले है कर्मयोग। गीता की शिक्षा का केंद्र बिंदु उसका कर्मयोग का सिद्धांत है। कर्म एवं योग दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्म का अर्थ है साधारण कार्य जो किया जाता है, लेकिन गीता के समय तक इसका एक अर्थ यज्ञ भी हो गया था। गीता में कर्म का प्रयोग प्रधानतः कर्तव्य के अर्थ में हुआ है, जो इस समय विभिन्न वर्णों के साथ संयुक्त थे। कहीं कहीं यह शब्द प्रार्थना के अर्थ में भी प्रयोग मिलता है। कर्मयोग के संदर्भ में हमें कर्म का अर्थ सामाजिक कर्तव्य ही ग्रहण करना चाहिए। योग का अर्थ है अपने को लगाना। इस प्रकार कर्म योग का अर्थ सामाजिक कर्तव्य करने के प्रति निष्ठा है। स्वेच्छा से किया गया प्रत्येक कार्य कोई न कोई फल प्राप्त करने के उद्देश्य से होता है। गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करने को प्रस्तुत है, किंतु इस प्रकार कार्य जो फल प्राप्ति की इच्छा को सर्वथा मस्तिष्क से हटा देना निसंदेह कृत कर्म का कोई न कोई फल अवश्य होता है, किंतु वह कर्म योगी का लक्ष्य नहीं होता है। इस प्रकार का कर्म करने से हमारी पूरी निष्ठा कर्म के प्रति होती है तथा हम पूर्ण समत्वय के साथ उसे संपन्न करने में जुट जाते हैं। एक स्थान में समत्वय को ही योग कहा गया है। इस प्रकार गीता के कर्म योग से तात्पर्य यह है कि सामाजिक अव्यवस्था का सदस्य होने के नाते हमें अपने कर्तव्य में सामान्य ढंग से बिना किसी फल की इच्छा के जुट जाना चाहिए। यही गीता का मुख्य संदेश है, जिसे कृष्ण स्वयं अपने मुख से व्यक्त करते हुए कहते हैं, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। कर्म फल का हेतु भी मत बनो, अकर्म अर्थात कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। यदि हम तत्कालीन समाज में प्रचलित विचारधाराओं का अवलोकन करें तो गीता के कर्म योग का महत्व स्पष्ट हो जाएगा। गीता के समय में
आस्तिक लोगों में जीवन संबंधी दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित थे, प्रवृत्ति का दृष्टिकोण जो संसार में रहकर सभी कर्तव्यों को करने तथा भोगों को भोगने का था, और निवृत्ति का दृष्टिकोण जिससे सांसारिकता से विमुख होकर संन्यास ग्रहण कर लेने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। गीता प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के आदर्शों के बीच एक स्वर्णिम मार्ग ढूंढ निकालती है, जिसे यहाँ कर्म योग की संज्ञा दी गई है। इसमें दोनों आदर्शों में से किसी को भी छोड़ा नहीं गया है तथा इनमें समन्वय स्थापित कर इन्हें परिष्कृत कर दिया गया है। प्रवृत्ति से कर्म तथा निवृत्ति से त्याग को ग्रहण कर उन्हें संयुक्त कर दिया गया है। यहाँ कर्म के त्याग की बात न कहकर कर्म में त्याग अर्थात कर्म फल के त्याग की बात कही गई है। कर्म की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि क्षण भर के लिए भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से विवश होकर प्रत्येक को कर्म करने पड़ते हैं। देहधारी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह कर्मों का पूर्णतया त्याग कर सके। अतः जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। इस प्रकार गीता निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत को हमारे समक्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है। गीता का मत है कि हमें अपना नियत कर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्म को करता हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है। गुण रहित स्वाभाविक कर्म को करता हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है। गुण रहित अपना कर्म अच्छी प्रकार से किए गए दूसरे के कर्म की उपेक्षा श्रेयस्कर है। स्वभाव से नियत अपने कर्म को करने से मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता यह प्रतिपादित करती है कि कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है तथा कोई भी मत जो कर्म की उपेक्षा करता है या उसके महत्व को कम करता है सही नहीं हो सकता, किंतु यह कर्म उचित उद्देश्य से प्रेरित होना चाहिए, अन्यथा यह मनुष्य को जीवन के उच्च आदर्श से च्युत कर देगा। तो फिर वह आदर्श अथवा उद्देश्य क्या है जो कर्मयोगी की प्रेरणा का स्रोत बनता है? गीता इसके दो उद्देश्य बताती है, आत्मशुद्धि तथा ईश्वर के उद्देश्य क्या है जो कर्मयोगी की प्रेरणा का स्रोत बनता है। गीता इसके दो उद्देश्य बताती है, वो कौन से हैं? आत्मशुद्धि तथा ईश्वर के उद्देश्यों में सहायक होना। इससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि कर्मयोग केवल भौतिक दृष्टि से ही निष्काम होता है, न कि आध्यात्मिक दृष्टि से। इसका उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति न होकर मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति को उन्नत करना है। यही गीता के अनुसार हमारे सभी कार्यों का लक्ष्य है। यहाँ उल्लेखनीय है कि गीता संन्यास की अवस्था में भी कर्म त्याग करने का उपदेश नहीं करती। संन्यास का अर्थ राग, इच्छा, आसक्ति तथा सभी कर्मों के फल का त्याग बताया गया है। आत्मज्ञान प्राप्त किया हुआ योगी भी लोक कल्याण के निमित्त कार्य करता है। ईश्वर स्वयं यद्यपि उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, मानवता के लाभ के लिए ही कार्य करता है। सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके तथा आसक्त होकर जो व्यक्ति कार्य करता है वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्ता। इस प्रकार चाहे हम दृष्टि से विचार करें तो पाते हैं कि गीता में सर्वत्र कर्म की महत्ता का प्रतिपादन मिलता है। अब अगला आता है ज्ञान योग। गीता में ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके अनुसार इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। कर्मयोगी का आदर्श आत्म साक्षात्कार है जो ज्ञान के बिना असंभव है। बताया गया है कि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। कृष्ण ने ज्ञानी को साक्षात अपना स्वरूप ही बताया है। गीता में ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा गया है, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाला यश से ज्ञान रूपी यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों की पराकाष्ठा ज्ञान ही है। बड़े से बड़ा पापी भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा भव सागर को पार कर जाता है, किंतु ज्ञान का कर्म के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। ज्ञान के बिना इच्छा तथा आसक्ति का त्याग संभव नहीं है। केवल सच्चा ज्ञानी ही निष्काम कर्मयोगी हो सकता है।
अतः गीता का स्पष्ट मत है कि ज्ञान तथा कर्मयोग दोनों एक ही हैं, केवल मूर्ख लोग ही इन्हें अलग अलग समझते हैं। एक में भी सम्यक रूप से स्थित हुआ दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अगला था भक्ति योग। गीता का तीसरा मार्ग भक्ति योग है और यह भी कर्म तथा ज्ञान के साथ समन्वित है। भक्ति को यहाँ भगवान की निष्काम सेवा बताया गया है। इस प्रकार यह कर्म का ही एक रूप है, क्योंकि ज्ञानी ही निष्काम कर्मयोगी है। अतः ज्ञान के अभाव में भक्ति भी संभव हो सकती है। गीता का कथन है कि हमें कर्मों को करते हुए उनका फल ईश्वर में अर्पित कर देना चाहिए। कर्मों का अनुष्ठान एक प्रकार से भगवान की पूजा ही है, जिससे मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ कर्म तथा भक्त शक्ति का संबंध भी है। कर्मयोगी को भगवान की तरफ से यह आश्वासन प्राप्त रहता है कि उसका विनाश नहीं होता है। गीता का स्पष्ट मत है कि ज्ञान की प्राप्ति प्रणिपति तथा सेवा से ही संभव है। जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भगवान अर्जुन से भक्ति का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, तुम मेरे में ही अपना मन लगाओ, मेरी ही भक्ति करो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझ में ही अपने को लगाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। सभी धर्मों को छोड़कर मात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। इस प्रकार गीता में कर्म भक्ति तथा ज्ञान का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है, जो अन्यथा सर्वथा दुष्ट प्राय है। इसका स्वर पूरी तरह से आशावादी है, जिसमें निराशावाद के लिए कोई भी स्थान नहीं है। निष्ठावान अपना कर्तव्य करने वाले के लिए गीता का यह आदेश सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अच्छा कर्म करने वाला कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है, तथा निष्काम कर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा करता है। गीता के आध्यात्मिक विचार देखिएगा। गीता का आध्यात्मिक विचार इस तथ्य में निहित है कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है तथा सत वस्तु का अभाव नहीं है। तदनुसार अविनाशी वह है जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। यह तत्व आत्मा है, जिसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। शरीर न स्वर है, आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। यह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। यह सभी के शरीर में सदा ही अवध्य है। गीता में ब्रह्म के सगुण तथा निर्गुण दोनों ही रूपों की विवेचना मिलती है, किंतु सगुण को निर्गुण की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है। वही उपासना का विषय हो सकता है। प्रकृति को संसार का आदि कारण बताया गया है। हमारे सभी कर्म उसी के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु अहंकार के वशीभूत आत्मा अपने को उनका कर्ता मानने लगता है। ईश्वर ही प्रकृति रूपी योनि के बीज स्थापित करता है, जिससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के तीन गुण सत्य रज तम जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। संसार के सभी वस्तुओं का ईश्वर ही एकमात्र अवलंबन है। वह सभी भूतों के हृदय में निवास करता है तथा अपनी माया से सभी को नचाया करता है। मोक्ष उसी की कृपा से संभव है। गीता के आध्यात्मवाद में सांख्य की प्रकृति, उपनिषदों के ब्रह्म तथा भागवतों के ईश्वर का समन्वय मिलता है। गीता के आध्यात्मिक सिद्धांतों की अपेक्षा उसके व्यावहारिक सिद्धांतों का महत्व अधिक है, तथा इसी ने ग्रंथ को मानव जीवन के अत्यंत निकट ला दिया है। इन सिद्धांतों ने तिलक तथा गांधी जैसे मनीषियों को प्रेरणा प्रदान की थी। महात्मा गांधी तो इसे विश्व माता कहते थे, जिसका द्वार सभी के लिए खुला है। गीता का सच्चा उपासक निराशा का नाम नहीं जानता तथा कर्तव्य पथ पर सदैव अग्रसर रहता है। निसंदेह यह ग्रंथ मानवता का ग्रंथ है तथा इसके सिद्धांत सार्वभौम मान्यता रखते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने भगवद गीता के बारे में जानकारी प्राप्त की, और आगे भी आपको इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस हमारे इंडिया ओल्ड यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे मिलेंगे। तो बने रहें यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।